शादियों पे आप ऐसा दिखना चाहते हो कि जिससे कि लड़कियां इंप्रेस हो, लेकिन आप एंड अप करते हो ऐसा दिखना, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि शादी के कौन से फंक्शन पे कैसे कपड़े पहनने चाहिए और इन जनरल भी उन कपड़ों को अच्छा कैसे दिखाएं, कलर्स कौन से सही पहने, शादियों पे छपरी कैसे ना दिखे। डोंट वरी, मैं हूं। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सैन कालरा एंड दिस वीडियो इज बजट वेडिंग आउटफिट्स। प्रॉपर आउटफिट्स बताऊंगा और हाँ, एंड में एक स्पेशल ग्रूमिंग टिप भी दूंगा शादियों के लिए, तो एंड तक देखना। सबसे पहले आउटफिट, सबसे फेमस कुर्ता पजामा विद नेहरू जैकेट, जो कि आप पहनोगे किसी दोस्त की भाई बहन की शादी पे या फिर किसी रिश्तेदार की हल्दी पे। शादी और शादियों के फंक्शंस पे स्टैंड आउट करना, मतलब अलग दिखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप उसको जो कुर्ता पहन रहे होगे वो कॉटन का नहीं, सिल्क का लेना। सिल्क बहुत अच्छी शाइन देता है, वो चमकता है। और इस कुर्ते पे क्योंकि आपको नेहरू जैकेट भी पहननी है सर्दियों के चलते, तो इसलिए आप अपना कुर्ता एकदम प्लेन कलर में लेना, उसपे कोई डिजाइन मत लेना। और कुर्ते और पजामे का कलर सेम रखना, क्योंकि आप इसके ऊपर अलग कलर की नेहरू जैकेट तो पहनने ही वाले हो। आप कुर्ते पजामे का कलर ले लो, नेवी, ब्लैक, सिल्वर, गोल्ड, मरून। एंड पजामा जो लोगे वो या तो नॉर्मल वाला पजामा लेना या फिर चूड़ीदार वाला पजामा लेना, मतलब स्लिम फिट या स्किनी फिट। और यार जो नेहरू जैकेट लोगे वो ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका फॉल अच्छा नहीं आएगा, मतलब कि उसका ड्रेप अच्छा नहीं आएगा, वो ऐसी पतली पतली सी पता चलेगी, सस्ती सी। और नेहरू जैकेट अगर आप प्लेन कलर की लोगे तो ज्यादा क्लासी लगेगी, लेकिन यार शादियों पे ना ऐसे बहुत अच्छा लगता है थोड़े से फैंसी कपड़े पहनना। तो आप उसपे थोड़ा सा डिजाइन ले सकते हो नेहरू जैकेट पे। जैसे अगर आप पैटर्न वाली नेहरू जैकेट ले रहे हो तो पूरे पे सेम पैटर्न हो और वो उसी सेम कलर की शेड का हो जिसका उसका बेस है। एंड आपके कुर्ते के कलर के हिसाब से जो आपको नेहरू जैकेट का कलर लेना है वो है आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। एंड इन सब पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए मैंने ढूंढी एक आउटफिट ऑनलाइन जो मुझे मिली है, और ये 2000 से भी कम की पड़ी मेरे को टोटल। नेवी कुर्ता सेट के ऊपर गोल्ड ब्राउन शेड की नेहरू जैकेट जिसपे सेम कलर से ही पैटर्न बना हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बटन्स भी सेम कलर के हैं, तो ज्यादा झटाक नहीं लग रही। आउटफिट थोड़ी सी फिटेड ही लिया करो, शादी के लिए काफी स्मार्ट लगती है। नीचे मैंने पहनी है कोल्हापुरी चप्पल। ध्यान रखना, नॉर्मल कोल्हापुरी चप्पल एकदम फ्लैट होती है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती, आप शादी पे नाच भी नहीं पाओगे, खड़े भी नहीं हो पाओगे। तो इसलिए मैंने जो ये चप्पल ली है वो कोल्हापुरी स्टाइल की है, बट नीचे से पैडेड है, तो आप इस पे खड़े होके आराम से खड़े हो सकते हो। इससे याद आया कि इस आउटफिट का एक बार ना भांगड़ा टेस्ट कर लेते हैं, मतलब शादी पे इसको पहन के नाच पाओगे या नहीं नाच पाओगे। हाँ, मतलब ये तो अप्रूव्ड है। अब एक बार सब्सक्राइब बटन को दबा के भी टेस्ट कर लेते हैं। अरे वाह, दब रहा है, वाओ, तो दबाना फिर। नेक्स्ट आउटफिट है कि अगर आपको जैकेट नहीं पहननी तो अंदर एक वार्मर पहन के उसके ऊपर कुर्ता पहन लो, लेकिन अब वो कुर्ता प्लेन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको शादी पे जाके बंदियों को इंप्रेस करना है, आपको सिर्फ भल्ला पापड़ी चाट खा के वापस नहीं आ जाना। तो गो फॉर थोड़े से डिजाइन वाले कुर्ते, बस उसके ऊपर ना वो शीशे वीशे नहीं लगे होने चाहिए। एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है चिकन करी वाले, चिकन करी मतलब खाने वाले चिकन करी नहीं, वो चिकन करी एक डिजाइन होता है जिसमें कि सेम कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी हुई पड़ी होती है। या फिर अगर आप सिल्क प्लेन वाले ही कुर्ते ले रहे हो बिना डिजाइन के, तो उसमें कुछ ना कुछ एक एज होनी चाहिए, जैसे कि आजकल ट्रेंड में है नीचे से वो ऐसे टेढ़े वाले कुर्ते। अब क्योंकि यहाँ जैकेट नहीं है तो कुर्ता और पजामा आपको अलग कलर का लेना है। कुर्ते के लिए वही बेस्ट कलर्स हैं, नेवी, मरून वगैरह वगैरह, और पजामा के लिए बेस्ट कलर्स हैं व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ब्लैक, बेज वगैरह। अब यहाँ पे पजामा ना चूड़ीदार या नॉर्मल वाला मत लो, नहीं तो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक वो फूला हुआ बड़ा वाला पजामा ले लो, उससे इसकी प्रोपोर्शंस अच्छी लगेंगी। अब जैसे इस वाली आउटफिट में मैंने कुर्ता और पजामा कलर में भी अलग एंड शेप में भी काफी अलग पहना हुआ है, तो इसलिए वो कूल लग रहा है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। साथ में अगर इसके चप्पल पहनोगे तो बोरिंग लगोगे, तो आप पहनो मोजड़ी, जो कि इंडियन लोफर्स होते हैं। साथ में सॉक्स मत पहन लेना प्लीज, एंड पैरों पे क्रीम लगा लेना ताकि ड्राई ना लगे। ये पूरी आउटफिट बस 1000 रुपीज की पड़ी मुझे। एक और इंपॉर्टेंट टिप, शादियों पे लड़कियों को मैनली लड़के बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, और उसके लिए सबसे बढ़िया हैक एक ही है कि अपने स्लीव्स को ऊपर चढ़ा के रखना है ताकि फोरआर्म्स दिखें, अनलेस आप एकदम ही स्किनी हो। एंड फोरआर्म्स के साथ दिखेगी आपकी वॉच एंड एक्सेसरीज, जो कि थोड़ी फ्लैशी होनी चाहिए शादियों के लिए। एंड अगर एक्सेसरीज पे आपको एक वीडियो चाहिए तो फटाफट वीडियो को ले जाओ 3000 लाइक्स पे, तो मैं बजट वाली एक्सेसरीज पे एक वीडियो निकाल दूंगा। नेक्स्ट वेडिंग आउटफिट है शेरवानी, जो कि आप किसी क्लोज रिश्तेदार या फिर कोई क्लोज फ्रेंड की शादी में पहनोगे, लेकिन प्लीज इसको अपने एक्स की शादी में मत पहनना, अनलेस आपकी शादी आपकी एक्स से हो रही हो, इन दैट केस कॉन्ग्रेट्स ब्रो। एनीवे, शेरवानी मतलब कुर्ते जैसी शेप की लेकिन जैकेट की तरह खुलने वाली सामने से। इसमें आपको कलर्स ना थोड़े सोबर लेने चाहिए, तभी आप क्लासी लगोगे, जैसे कि ब्लैक, नेवी, बेज, क्रीम एटसेट्रा। एंड उस शेरवानी में जो पूरा पैटर्न होना चाहिए वो उसी कलर की शेड से होना चाहिए जो कि अंदर उसका मेन कलर है, नहीं तो अगर वो किसी डिफरेंट कलर से हुआ और ज्यादा झटाक लगा तो छपरी अलर्ट। शेरवानी को जो लोगे वो थोड़ी सी फिटिंग नहीं लेना, ज्यादा स्मार्ट लगोगे, और साथ में जो पजामा लोगे उसको एकदम
एकदम फिटिंग में मत लेना, उसको थोड़ा सा वो बड़ा वाला फूला वाला पजामा लेना। जैसे कि ये आउटफिट है जो मुझे ऑनलाइन 3000 की पड़ी, शेरवानी के साथ पहनो मोजड़ी शूज ही ताकि फुल देसी स्टड लगो, एंड पजामे के कलर का ही पॉकेट स्क्वायर भी पहनना है आपको। पॉकेट स्क्वायर मतलब वो जो आप इसे पॉकेट में से रुमाल सा निकालते हैं ना सूट्स में और शेरवानी में, उसको पॉकेट स्क्वायर कहते हैं। उससे आपकी एक एलिगेंट लुक आती है और ऐसे एक वाइब आती है कि आप किसी फंक्शन में आए हो। नेक्स्ट आउटफिट है जोधपुरी कोट के साथ। जोधपुरी कोट मतलब यार शेरवानी को अगर आप ऐसे नीचे से काट दोगे ना तो जोधपुरी कोट बनेगा, जैसे कि एक कुर्ते को काट के शर्ट बन जाती है ना वैसे। जोधपुरी आप तब पहनोगे जब जैसे आपके किसी दोस्त के भाई बहन की शादी है या फिर आपके किसी ठीक ठाक से रिश्तेदार की शादी है जिससे आप ज्यादा क्लोज नहीं हो, एंड ये ना कुर्ते से थोड़ी ज्यादा मैच्योर दिखती है, तो आप अपनी एज के हिसाब से ही पहनना। इसमें कलर्स ना वही शेरवानी वाले ही चलते हैं लेकिन थोड़ी सी डार्क शेड में बेटर लगता है। बट इसके साथ पजामा नहीं पहनते, इसके साथ पैंट्स पहनते हैं जो सबके पास ही होती है। आप फॉर्मल पैंट्स भी पहन सकते हो, मैंने चीनोस पहनी है इस वाली आउटफिट में। ये जोधपुरी कुछ 2500 का पड़ा मुझे, क्वालिटी भी ठीक है लेकिन मुझे उसके बटन उतने पसंद नहीं आए, तो मैं वो चेंज करवाऊंगा टेलर से एंड इसी रॉयल ब्लू कलर के बटन्स लगवाऊंगा। जोधपुरी के साथ पॉकेट स्क्वायर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर का पहनना है, एंड अगर पॉकेट स्क्वायर नहीं पहनना तो आप एक ब्रोच भी पहन सकते हो। एथनिक आउटफिट्स तो यही थी, लेकिन अगर सगाई या रिसेप्शन टाइप के फंक्शन पे पहनना है तो उसके लिए बेस्ट होती है वेस्टर्न टाइप की आउटफिट्स जिसमें की बेस्ट होते हैं सूट्स। अब यार सूट्स ना थोड़े महंगे ही होते हैं और इसको आप जब खरीदोगे तो आप सिर्फ शादी के लिए नहीं खरीदोगे, ये और भी बहुत सारी ओकेजंस पे काम आता है, तो इसमें सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। यार सूट में ना मेन फंडा ही उसकी फिटिंग का होता है आपकी बॉडी के ऊपर, तो आपको ये 2 हफ्ते पहले अपने फंक्शन से सिलवाना ही चाहिए और उसमें आपके कुछ 8-9 हजार तो खर्च होंगे ही होंगे। शादी फंक्शंस में आप 3 पीस या 2 पीस सूट दोनों पहन सकते हो, बस उसके कलर्स अच्छे होने चाहिए जैसे कि चारकोल या फिर नेवी, और अगर आप ब्लैक पहनना चाहते हो तो आप टक्सीडो टाइप का सूट पहन सकते हो। और ये ऑफिस के कपड़े ना लगे, ऐसा लगे आप किसी मीटिंग में आ गए हो, तो उसके लिए पॉकेट स्क्वायर पहनना बहुत जरूरी है। एनीवे सूट्स पे एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो भी आएगा चैनल पे। एनीवे मुझे एक बात बताओ, आपको शादियों पे इंडियन पहनना पसंद है या वेस्टर्न, कमेंट्स बताओ। एंड ब्रोस लास्ट आउटफिट है एक कैजुअल ब्लेजर। मतलब यार कभी कभी रैंडम लोगों की शादी में भी तो ले जाते हैं माँ बाप, वहां पे अगर आप शेरवानी पहन के चले जाओगे तो हो जाएगा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वहां तो बस डिसेंट दिखना होता है और दाल मखनी नान खा के वापस आना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे हुडी पहन के चले जाओ, ऐसी सिचुएशन में आप पहनो एक कैजुअल ब्लेजर, लेकिन हाँ ब्लैक ग्रे जैसे बोरिंग कलर्स में मत पहनना। इसके लिए आप थोड़े से रॉयल ब्लू टाइप के कलर्स या फिर वाइन रेड टाइप के कलर्स, सेक्सी भी लगोगे झटाक भी नहीं लगोगे, एंड इसके अंदर पहनो व्हाइट कलर की शर्ट जो अच्छे से प्रेस करी हुई होनी चाहिए, इन साथ में जीन्स या चीनोस दोनों पहन सकते हो, ये चीजें सबके पास ही होती हैं। मैंने ये 2 ब्लेजर्स मंगवाए थे 1800-1800 के, इनमें से एक तो मैं पक्का रिटर्न मारूंगा। ब्लू वाले के साथ पहनी है मैंने ग्रे चीनोस एंड ब्राउन डबल मॉन्ग स्ट्रैप फॉर्मल शूज, आप वैसे लोफर्स भी पहन सकते हो इनके साथ। एंड वाइन वाले ब्लेजर के साथ मैंने पहनी है ब्राउन चीनोस एंड व्हाइट बूट्स थोड़ी सी हटके लुक देने के लिए। एंड गाइस स्पेशल ग्रूमिंग टिप जो मेरे को आपको देनी थी वो ये है कि अपने बालों को मेसी हेयर स्टाइल में मत रखना, अच्छे से सेट दिखने चाहिए, वैक्स या जेल लगाओ और फिर हेयर स्प्रे भी लगाओ, क्योंकि वेट लुक शादियों में बहुत अच्छी लगती है। और अपनी बियर्ड को थोड़ा सा हैवी रख के जाना तो बंदियां फ्लैट। एनीवे नेक्स्ट में मिलते हैं।